गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं जो आप अभी आप कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ अगर करना चाहते हैं जिंदगी में, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस जर्नी की ओर और आपको आगे 15 से 20 मिनट में आपको बतलाएंगे कि क्या इस चीज से हम अचीव कर सकते हैं, इस बिजनेस के थ्रू हम क्या अचीव कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ द योर ड्रीम्स? क्या हमारी रिकॉग्निशन हमें मिल रहा है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या हमारे पास है जो पैसे की कभी कोई दिक्कत ना हो, परेशानी नहीं हो? वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि फैमिली के साथ आप अब इसको बैलेंस कर पा रहे हैं? क्या वही कार आप ड्राइव कर रहे हैं जो कभी अपने सपनों में देखा था? क्या आप चैरिटी कर पा रहे हैं जो अगर किसी को दान देना हो या किसी के जरूरतमंद को आप हेल्प कर पा रहे हैं? बड़े सपने के घर जो हमने बचपन में देखा करते थे, जो फिल्मों में देखा करते, क्या उस तरह से आलिशान आप घर में रह रहे हो? क्या इधर आपने कुछ 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर में आपने क्या वर्ल्ड टूर किया या कभी किया ही नहीं है? इवन तो आज के डेट में तो कोई इंडिया में भी घूम नहीं पाता। बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, क्या आपके बच्चे जो है बाहर के अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं उस स्कूल में पढ़ रहे हैं? आपके एजुकेशन जो बच्चे को सही मिल रहा है? क्वालिटी टाइम विद फैमिली, क्या आप फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, यानी कि आप अपने जो भी रिलेटिव्स हैं सबको दे पा रहे हैं, अपने पूरी फैमिली के साथ रह पा रहे हैं, या फिर कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं आप? अगर ये सब चीज़ में अगर कहीं पर आप मिसिंग है तो ये बिजनेस आपको मदद करेगा और आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग हम देखते हैं, पहले के समय में अगर हम 1960 की बात करें तो अगर हमारे पास 100 रुपये भी होता था तो हमारा काम चल जाता था। वही जो है 1980 में आप देखें कि 1000 हुआ, 2000 में अब आते आते 10000 हो गया, 2020 आते आते 1 लाख रुपये इसका इनकम हो गया। अगर इसी को अगर हम लेके चले 2040 में तो 10 लाख हमें चाहिए होगा। बट आप देखेंगे 2020 में बहुत कम लोग, अगर इंडिया की हम बात करें तो एवरेज सैलरी 30000 40000 भी नहीं होता, तो 1 लाख तो दूर की बात है। तो क्या हम ऐसे कोई काम कर रहे हैं जो कि हमारे आने वाला समय में 2040 के में ये चीज़ को हम अचीव कर पाएंगे? तो हम देखते हैं कैसे हम अचीव कर पा रहे हैं, इस ड्रीम को क्या हम अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू, वो आप आगे देख पाएंगे 15 से 20 मिनट में। हमारे पास डिपेंडेंसी प्लान है, यानी कि जो पहले से भी हमारे पास चला हुआ आ रहा है एक्टिव इनकम, मतलब कि अगर हम काम करते हैं तो पैसा आता है, अगर काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे एम्प्लॉयज आ गए, आपका सेल्फ एम्प्लॉयड शॉपकीपर्स हो गए, डॉक्टर आ गए, सीए आ गए, यानी कि जिनका अपना प्रेजेंस अगर होता है, वो खुद अगर एक्टिव है तो पैसा आता है, अगर एक्टिव नहीं है तो नहीं आते हैं। अगर वो चले गए दुनिया से तो जनरेशन को भी जो है अपना खुद काम करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बना के कुछ छोड़ के जाते हैं। तो एक्टिव इनकम का तो ये है जो कि किसी पर डिपेंडेंट है कि अगर हम काम करेंगे तो पैसा आएगा। वही हम अगर देखते हैं तो हमारे पास एक आज़ादी प्लान है जिसमें कि अगर 2 से 5 साल अगर आप देते हैं तो पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं एक समय के बाद। फॉर एग्जाम्पल कि आप देखें कि स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे एफर्ट जो है इस ग्राफ में धीरे धीरे एफर्ट कम रहा है और इनकम बढ़ रहा है टाइम के साथ, यानी कि स्टार्ट करते हैं आप 5 साल के बाद इनकम आपका कुछ और होगा, ये इनकम परमानेंट है। ये जो वे है यानी कि आज़ादी जो इनकम लोग कमा रहे हैं उसमें बहुत सारे राइटर हैं, कोई सिंगर हैं, या बहुत सारे पैसे जिनके पास इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया है वो है। और एक ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग है, यानी कि आज़ादी प्लान जो हम बात कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं। तो देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या बेनिफिट है हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे अच्छा बुक सेलर बन नहीं सकते, हम राइटर नहीं है, कोई अच्छा गाना हम नहीं गा सकते। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल में और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या है। आप देख रहे हैं कि कोई भी सामान मैन्युफैक्चरिंग होता है तो 35 रुपये में चलता है बंद करके,
और वो हमारे तक आते आते 100 रुपये हो जाते हैं। यानी कि क्या बीच में कोई क्वालिटी को चेंज कर दिया? नहीं। क्या उसमें क्वांटिटी चेंज होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे होता क्या है? कुछ नहीं होता। वो केवल अपना जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर, रिटेलर, यानी कि कैरी फॉरवर्ड जो करते हैं इधर से उधर प्रोडक्ट जो कर रहे हैं, वही पैसे को कमा के ले जाते हैं। उन्हीं के बाद आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े घर में रह रहे हैं वो। यानी कि जितने सारे ज्यादा पैसे कमाते हैं वो कमाते हैं। अरे, आपने टीवी पे ऐड देखा एडवर्टाइजमेंट का, तो एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं, वहां पे वो पैसे कमाते हैं। वही यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में क्या कहती है कि अगर हमारे साथ डायरेक्टली आप जुड़ जाते हैं, यानी कि कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी और हमको वो प्रोडक्ट देगी, यानी कि हम एज ए कंज्यूमर हैं तो प्रोडक्ट को देगी और आप यहाँ से पैसे बना सकते हैं और वो इंसेंटिव के रूप में कंपनी आपको देती है। तो हम देखते हैं आगे कि डायरेक्ट सेलिंग अगर हम करते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है। देखते हैं बेनिफिट में, आप देखिए कि जीरो इन्वेस्टमेंट पहला बेनिफिट है। जीरो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है, रिस्क नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है, यानी कि कोई रिस्क नहीं होगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इनकम कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहो उतना पैसा कमा सकते हैं। फैमिली बिजनेस है, फैमिली के साथ आप मिलकर कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल है, यानी कि जो बिजनेस हम एक बार सेट कर देते हैं, एक सेट इनकम के बाद जो है नेक्स्ट जनरेशन पैसे को कमा सकता है। प्रीवियस इनकम कोई रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि पहले से आप क्या करते थे नहीं करते उससे ये फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और पैसिव इनकम है, जैसे बताया कि एक बार आपने इनकम जनरेट कर दिया तो वो पैसिव इनकम यानी कि आता रहता है एक साथ हमेशा, मतलब फोर एवर के लिए। यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो आपको इनकम का बता रही है कि आपको पैसिव इनकम हम देंगे, वो इंडिया की पहली कंपनी है जो 1996 में मिस्टर समीर मोदी के द्वारा स्टार्ट किया था। तो इन्होंने 1996 में कंपनी को स्टार्ट किया, जब से लोग आजादी ले रहे हैं यहाँ पे हजारों कंसल्टेंट ऐसे हैं जो मतलब कि लाखों रुपए करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अब देखते हैं कि मोदी जी का कहना है कि अगर आप हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट है, उसका नाम है आजादी। यानी कि इनका सपना है कि घर घर में आजादी दे, यही इनका सिंगल प्रोडक्ट है। 1933 में 400 रुपए से इनके जो फाउंडर फादर है, यानी कि राय बहादुर गुजर मल्ल जी ने कंपनी को शुरू किया था, मोदी इंटरप्राइजेस को। ये बेगमाबाद से स्टार्ट हुआ था, 1972 आते आते 27 प्रोडक्ट इंडस्ट्री में इन्होंने डील किया हुआ। 1968 में जो पद्म भूषण का अवार्ड भी इनको मिला। के मोदी जिनके बेटे हैं, धीरे धीरे बिजनेस को आगे बढ़ाए और बढ़ाते बढ़ाते इनको करीब 90 कंट्रीज में लेके गए और 30,000+ एम्प्लॉय आज काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा ही होंगे। समीर मोदी ये भी एक विजनरी थे जो कि बताया कि 1996 में मोदी करके स्टार्ट किया था लोगों का आजादी के लिए। मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट यहाँ पे पर डे जो है लगभग 10,000 के लोग ज्वाइन करते हैं। IDSA का मेंबर है, जैसे कि आपने IRDAI का नाम सुना होगा, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के लिए वो करती है, तो उसी तरह से IDSA जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए करती है काम कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है कौन सी कंपनी नहीं है। मोदी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 रेंज में प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपने न्यूट्रिशन देखा, कलर कॉस्मेटिक या स्किन केयर में प्रोडक्ट हमारे पास, फूड एंड बेवरेज के प्रोडक्ट है। काफी प्रोडक्ट की क्वालिटी आप देखेंगे तो काफी बहुत बढ़िया है। पर्सनल केयर है, लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, ऑटो केयर में आता है, ज्वेलरी के भी हमारे पास प्रोडक्ट है, टेक में कुछ प्रोडक्ट है कंपनी के, और SMS वॉचेस करके भी आते हैं, कुछ अगरबत्ती भी है जो भी इसमें ऐड नहीं है, उसकी कैटेगरी अलग है। समीर मोदी आजादी प्लान की अगर बात करें तो इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट प्लान है जो 62% पे आउट कंपनी दे रही है। आपका जो बिजनेस का जो वॉल्यूम जो टर्नओवर होता है उसका 62% लोगों को बांट देती है। एक्युमुलेटिव प्लान है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है कि कितने दिन में बिजनेस को बना पा रहे हैं। टाइटल जो भी आपको यहाँ पर टाइटल देती है कंपनी वो लाइफ टाइम के लिए। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करनी पड़ती। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी की कंपनी प्रोडक्ट है, यानी कि एक बार अगर आपको प्रोडक्ट को अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको आप रिटर्न कर सकते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम है मोदी कह रहे हैं, यानी कि कंपनी जो है ट्रेडिंग प्रोवाइड करती है। वो जो है समीर मोदी आजादी प्लान, समीर मोदी जी का सिस्टम एक बनाया हुआ है जो कि आपका SPBM के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे कंपनी ट्रेनिंग करती है कि आप एक बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। समीर मोदी आजादी प्लान के लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 10 एरिया जो इनकम है, आप 20% देखते हैं सेविंग ऑन कंजप्शन, यानी कि जब प्रोडक्ट लेते हैं तो डिस्काउंट भी मिलता है आपको, अगर आप उसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं 20% प्रॉफिट मिलता है आपको। 7-16% जो परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 4% डायरेक्टर है,
14%। अब आगे चलकर देखेंगे कैसे कैसे इनकम मिल रहा है एक एक करके। 14% जो टीम बिल्डर बोनस है आपका, 15% का लीडरशिप के बोनस मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 3% का ट्रेवल फंड है, 5% का कार फंड है, 3% आपको हाउस फंड है और 2% अटूट बंधन बोनस मिलता है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पर कंजप्शन की, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे सेविंग जो कंजप्शन बता रहा था मैंने कि अगर आप एमआरपी हमारे पास 120 रुपये अगर प्रोडक्ट की एमआरपी है तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर 100 रुपये मिलता है और 20 रुपये यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट मिलता है। कंपनी का 400 प्लस प्रोडक्ट है 12 कैटेगरी में, जैसे कैटेगरी मैंने बताया था, तो कंपनी उस प्रोडक्ट की कंपनी ने ये बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट है और दिन प्रतिदिन प्रोडक्ट जो है अभी आ ही रहे हैं। कंपनी एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है जिसमें कि अगर 2500 रुपये का हर महीने सामान लेते हैं तो यानी कि 25th तक महीने के 25 तारीख तक अगर आप लेते हैं 2500 का सामान हर मंथ, तो आफ्टर 7th मंथ में जाकर के कंपनी जो आपको 2500 का प्रोडक्ट देती है फ्री। एवरेज जो परचेज इनकम 6 मंथ में अगर आप मैक्सिमम 5000 तक करते हैं प्रोडक्ट, यानी कि हर महीने अगर 5000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको 7वें महीने में 5000 का प्रोडक्ट कंपनी फ्री देती है। अगर इसी में अगर लॉयल्टी प्रोग्राम में एक लॉयल्टी प्लस का प्रोग्राम है जिसमें कि अगर कंटिन्यू होगा आप 1 साल तक प्रोडक्ट को लेते हैं 2500 रुपये का मिनिमम और मैक्सिमम 5000 तक, तो कंपनी उसके एवरेज का आपको 2 महीने का प्रोडक्ट नहीं देती है, यानी कि एक तो एनुअल लॉयल्टी हो गया, एक जो आफ्टर 6 मंथ जो प्रोडक्ट अभी मिल रहा है वो आफ्टर 6 मंथ मिलेगा, यानी कि पूरे साल की अगर हम बात करें तो 3 महीने का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की हम बात करें तो 1 to 300 पे जाते हैं, अगर पीवी की हम रेंज देखते हैं तो 7% हम अर्निंग करते हैं। पीवी क्या है, तो अगर आप 55 रुपये का सामान मोदी के रकम लेते हैं आप यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, तो उसको हम 55 रुपये को एक पीवी मान सकते हैं, एवरेज मैं बता रहा हूँ 54-55 रुपये हो सकता है। और मैक्सिमम जो है एज ए डायरेक्टर ये बिजनेस चाहती है मतलब कि 16%, 4000 एक पीवी अगर हम कर लेते हैं धीरे धीरे करके, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस है तो मतलब धीरे धीरे करके, कोई जरूरी नहीं कि 1 महीने में 2 महीने में, जितने दिन में आप करते हैं तो आपको 16% तक इंसेंटिव कंपनी देती है। नेक्स्ट चलते हैं पावर ऑफ एक्युमुलेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ जो है लिमिट, मतलब एग्जाम्पल लेकर हम चल रहे हैं कि 200 पीवी अगर कोई करता है पहले महीने में तो एज ए कंसल्टेंट 7% में ज्वाइन करता है वो, और 378 रुपये का जो है उसको डिस्ट्रीब्यूटर जो है उससे कमीशन आती है, और अगर उसी को सेकेंड मंथ लेकर चले तो 200 पीवी ऐसे हो गया और 200 और यानी कि 400 सीनियर कंसल्टेंट अगर 10% हो गया 540 रुपये कंपनी उसको प्रोवाइड करती है, यानी कि उसका पे आउट हो गया। एग्जाम्पल 2 अगर हम लेकर चलते हैं तो इसी में आप देखिए कि पहले मंथ में अगर वो 1000 करता है तो इसी तरह से दूसरा महीने में 2000, तीसरा महीना 3000 करेगा, तो तीसरे महीने में 15% पे चला जाएगा और उसको 4050 रुपये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी को अगर हम बात करें अगर फास्ट 10% स्टार्ट प्रोग्राम की, 240 रुपये अगर कोई 1 महीने में करता है तो वो जो है 750 रुपये का अलग से कंपनी प्रोडक्ट देती है जो कि कहीं गिफ्ट है। लीडरशिप टाइटल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो एज ए डायरेक्टर कंपनी 1250 रुपये अगर हम करते हैं तो एज ए डायरेक्टर आप हो जाते हैं, और धीरे धीरे ग्लोबल ब्लैक डायमंड में जाते हैं 14 अगर लोग हम डायरेक्टर लेके जाते हैं तो हम कंपनी का सबसे टॉप टाइटल है जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड है, जो कंपनी के जितने सारे प्रोग्राम है जो इनकम है वो सारे आप अचीव कर सकते हैं, क्राउन डायमंड डायरेक्टर जाने के बाद ही अचीव कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे 4% का डायरेक्टर बोनस जैसे मैंने बताया था, ठीक है, और आपको जो है वो कंपनी के टर्नओवर का यानी कि जो भी डायरेक्टर क्वालिफाई करता है अगर 1250 रुपये को टच कर जाता है तो उसको कंपनी 4% अपने पूल का यानी जो भी टर्नओवर कंपनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। 14% टीम बिल्डर बोनस है, यानी कि आप कंपनी का जो है आप एज ए सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं तो 14% जो कंपनी का टर्नओवर का जो है वो आपको कंपनी देती है, यानी कि बोनस के रूप में आपको 14% का टीम बिल्डर बोनस है, यानी कि आप एक टीम बना लेते हैं, यानी कि कोई डायरेक्टर क्वालिफाई आपने करवा दिया अपने नीचे तो आप टीम बिल्डर हो गए और आपको कंपनी 14% के स्लैब में लेके चली जाती है। आपके नीचे पेड अप 9 डायरेक्टर हैं, यानी कि जितने सारे डायरेक्टर आप नीचे बना सकते हैं वहां तक इनकम आप जाती है आप ले सकते हैं। 15% जो LPB है यानी लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस है जो कंपनी को सीनियर डायरेक्टर अनुभव मिलता है। इसमें क्या करना होता है कि एक लेग में 3600 ग्रुप पे होना चाहिए और दूसरे लेग में एक डायरेक्टर होना चाहिए, आप एज ए सीनियर डायरेक्टर इस पैसे को ले सकते हैं। पेड अप टू 8 पैड सीनियर डायरेक्टर तक आपको जनरेशन तक मिलता है।
यहाँ पे 3% मैंने बताया कि ट्रेवल फंड मिलता है आपको एज ए सीनियर डायरेक्टर, आप क्वालिफाई करते हैं, आपके नीचे एक डायरेक्टर होता है, और दूसरे लेग पे जो है आपको 1100 PV का अगर बिजनेस होता है तो 3% में ट्रेवल फंड, आप इतना मान के चले 3% जो है ट्रेवल फंड मिलता है अगर आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, आप धीरे धीरे चीजों को समझ पाएंगे। 5% जो ड्रीम व्हीकल बोनस है यानी कि कार फंड है, आपके नीचे अगर 3 डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है इसके हकदार हो जाते हैं, 3 महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको एज ए सीनियर डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। 3% ड्रीम होम फंड है यानी कि आपके नीचे अगर कोई 6 लोग क्वालिफाई करते हैं एज ए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, आपको जो है हाउस फंड मिलना शुरू हो जाता है, ये भी जो है कंटिन्यू 3 महीने आपको करना पड़ेगा प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। 2% अटल बंधन पूल है जो कि कंपनी का सबसे बड़ा पूल कह सकते हैं आप, यानी कि मैक्सिमम जो है आप 21 लाख रुपए तक हर महीने आप ले सकते हैं। ये जो मैंने बताया था जैसे कि क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनने के बाद हम इस पूल को अचीव कर सकते हैं। लिव लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि एक अच्छी जिंदगी आप यहाँ पर जी सकते हैं, आप लोगों को मदद करते हुए इस बिजनेस को एक नाम भी कमा सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। यहाँ पे सक्सेस प्रिंसिपल भाई मोदी कह रहे हैं कि हमारे पास SPBM के थ्रू जो है क्लासरूम भी होता है, ऑनलाइन क्लासेस भी होता है, फोन पे भी आप कर सकते हैं, यानी कि कंपनी आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अवेलेबल है, जैसे आप कंपनी का हेल्प ले सकते हैं बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करने को कंपनी बोलती है कि अगर आप 2 कदम ले रहे हैं तो हम 2 कदम लेंगे। तो ये कंपनी का था, आप बिजनेस में आइए और आप बिजनेस में काफी बड़ा कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़िए और अपने जो भी आपके सपने हैं उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे मार्केट में जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी चल रही है, चाहे आप जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, जो हम सपने पूरा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर कुछ कुछ आपके पास इंक्वायरी है तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, थैंक यू।